एम्स भोपाल जो कि अगेन वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज अगर एम्स की सीरीज की हम बात करें तो एम्स में ये वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज की श्रेणी में आता है और एम्स भोपाल में 2021 में क्या कट ऑफ रहा था डिफरेंट राउंड वाइज सेकेंड राउंड के बाद एम्स भोपाल में किसी भी कैटेगरी के, के लिए कोई भी सीट अवेलेबल नहीं थी मॉपअप और स्टे वैकेंसी राउंड में ऑल इंडिया कोटा का जो कि होता है नीट के एग्जामिनेशन के बाद एमसीसी के थ्रू इसमें एडमिशन होता है 2022 के एग्जामिनेशन में आपको मिनिमम कितने मार्क्स लेकर चलने पड़ेंगे ताकि आपका एडमिशन

सो गैज हेयर इज द डिटेल मेडिका विंग ही एक ऐसा चैनल है और एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके सामने हर कॉलेज की चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज राउंड वाइज जो कट ऑफ है वो हर कॉलेज के आपको सिर्फ और सिर्फ मेडका विंग के ऐप पर ही मिलेगी एंड मेडका विंग जिस हिसाब से डेटा की एनालिसिस करता है ताकि राउंड वाइज आपको पता चल सके कि, कि किस कॉलेज में किस रैंक पर किस मार्क्स पर किस कैटेगरी का स्टेट कोटा या फिर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ आपको मेडका विंग के ऐप पर मिलेगा मेडका विंग का ऐप आप आप आपको डाउनलोड करना है जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर राइट right? फिलहाल बात करते हैं एम्स भोपाल में गईस एम्स भोपाल की अगर हम बात करें दो राउंड की जो काउंसलिंग थी फर्स्ट और सेकंड राउंड मॉपअप और स्टे वैकेंसी राउंड में ये एक ऐसा कॉलेज है जहां पर मॉपअप और स्टे वैकेंसी राउंड में एक भी सीट अवेलेबल नहीं थी किसी भी कैटेगरी में सबका एडमिशन हो चुका था जितने भी अलॉटमेंट हुए थे सब ने एडमिशन ले लिया था सेकंड राउंड तक ही लास्ट अलॉटमेंट हुआ था राइट right. एम्स दिल्ली में फर्स्ट राउंड में ही कंप्लीट सारी कैटेगरीज फिल हो गई थी सिर्फ और सिर्फ ओबीसी की एक सीट अवेलेबल थी जिसको कि सेकंड राउंड में एडमिशन मिला था और वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट कंप्लीट ना होने की वजह से वो सीट खाली गई थी जिसके कि सेकंड राउंड में वो फिल की गई थी बाकी किसी कैटेगरीज के किसी भी कैटेगरी uh, के स्टूडेंट्स के लिए किसी फर्दर राउंड के लिए एम्स दिल्ली में सीट अवेलेबल नहीं थी बिल्कुल सेम केस एम्स भोपाल में लेकिन एम्स भोपाल में सेकेंड राउंड में कई कै सारी कैटेगरीज थी जिनके कि सीट अवेलेबल थी ये कंप्लीट डिटेल है जो आप व्हाइट बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये राउंड वन की कट ऑफ है राइट ऑल इंडिया कोटा 2021 नीट का एमसीसी करती है डीजीएचएस 100 परसेंट एडमिशन एम्स के सभी कॉलेजेस में सिर्फ और सिर्फ डीजीएचएस के थ्रू ही काउंसलिंग होती है वाइट बैकग्राउंड राउंड वन और गोल्डन में है ये है राउंड टू की कट ऑफ ओपन की बात करें जनरल 686 पे क्लोज हुआ था ऑल इंडिया रैंक 572 हंड्रेड सेवेंटी टू रैंक यहाँ पर मैं ऑल इंडिया रैंक है ये ऑल इंडिया रैंक का कॉलम है अलॉटेड कोटा अलॉटेड इंस्टीट्यूट स्टेट नेम कोर्स अलॉटेड कैटेगरी कैंडिडेट कैटेगरी और नीट मार्क्स एकदम लास्ट का जो कॉलम है यहाँ पर mention है राइट ओबीसीड सेवेंटी फर्स्ट राउंड में ई डब्ल्यू एस सेम सिक्स हंड्रेड सेवेंटी फाइव एस सी सिक्स थर्टी सिक्स पर एस टी फाइव हंड्रेड एट जनरल पी डब्ल्यू डी ओ बी सी डब्ल्यू डी एस सी पी डब्ल्यू डी ई डब्ल्यू एस पी डब्ल्यू डी और एस टी पी डी का जो एडमिशन हुआ था वो फाइव हंड्रेड फिफ्टी सेवन फाइव हंड्रेड नाइनटीन एस टी डब्ल्यू डी फोर हंड्रेड ई एस पी डब्ल्यू डी थ्री हंड्रेड वन एस सी पी डब्ल्यू डी थ्री हंड्रेड सेवेंटी मार्क्स पर एडमिशन हुआ था गाइज सेकेंड राउंड की जो कटाब है सेकंड राउंड में अगर हम देखें तो एस सी पी डब्ल्यू डी और एस टी पी डब्ल्यू डी की कोई भी सीट अवेलेबल नहीं थी यानी जो अलॉटमेंट एस सी इन दोनों कैटेगरीज को फर्स्ट राउंड में हुआ था उन्होंने एडमिशन लिया और उसके बाद कोई भी सीट अवेलेबल नहीं थी जनरल सेकेंड राउंड में सिक्स हंड्रेड एट्टी सिक्स पर क्लोज हुआ था सेम एज ऑफ राउंड वन रैंक यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर गया था लेकिन मार्क्स सेम रिक्वायर्ड थे ओबीसी सिक्स हंड्रेड एट्टी फाइव काफी ऊपर चला गया था सेकंड राउंड में राइट ई डब्ल्यू एस सिक्स सेवेंटी वन एस सी सिक्स थर्टी वन एस टी फाइव हंड्रेड नाइनटी सेवन जनरल पीडब्लू डी फाइव हंड्रेड और ईडब्ल्यू एस पी डब्लू डी का एडमिशन हुआ था फोर हंड्रेड थर्टी मार्क्स पर एम्स भोपाल में अब 2022 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन एम्स भोपाल में हो गाइस नो डाउट कि आपको ये जो मार्क्स है इससे बेहतर मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे एम्स के कट ऑफ की बात करें या फिर किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज की या प्राइवेट कॉलेज की स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज राउंड वाइज कट ऑफ की बात करें अगर हम स्टेट कोटा प्लस और इंडिया कोटा के दिन गईस ये सारा सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हैं मेडिकल विंग के ऐप से जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर आज आपको डाउनलोड करना है उस ऐप पर क्या क्या फैसिलिटी उस, उस कोर्स में आपको कितने कट ऑफ की फाइल्स एक्सेस करने को मिल जाएगी कितने फ्री कंटेंट्स हैं और कितने पेड कंटेंट्स हैं उसके बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन अगर आप किसी भी स्टेट का किसी भी स्टेट की कट ऑफ आप चाहते हैं किसी भी आ, स्टेट के कॉलेजेस की ऑल इंडिया कोटा या फिर स्टेट कोटा के थ्रू लास्ट किस रैंक पर किस मार्क्स पर कॉलेज वाइज कहाँ पर एडमिशन हुआ था देन गाइज उसकी डिटेल अब अवेलेबल है मिडका विंग के ऐप आप पर आपको डाउनलोड करना है मेडकॉ कर विंग का ऐप और वहाँ पर एक कोर्स है नीट गवर्नमेंट एम बी बी एस कट ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एंड टू थाउजेंड ट्वेंटी पी डी एफ ऑल इंडिया कोटा, कोटा एंड स्टेट कोटा जो कि डेली अपडेट किया जाता है मिडका विंग की ओर से ऐप पर दो हज़ार इक्कीस और दो हजार बीस दोनों के ही क्या कट ऑफ था जैसे कि अगर आप एम्स कट ऑफ की बात करें एम्स 2021 में एम्स दिल्ली एम्स मॉप अप लास्ट रैंक उसके बाद ऑल एम्स कॉलेज कट ऑफ एम्स भोपाल एम्स बटिंडा बिलासपुर गुवाहाटी जम्मू ऑल ऑलराउंडर यहाँ पर एक फाइल अगर आप इसको ओपन करके देखें देन ये फाइल आप एक्सेस कर सकते हैं मिटका विंग की ऐप पर यहाँ पर हर राउंड वाइज कैटेगरी वाइज यानी फर्स्ट राउंड में सेकेंड राउंड में मॉपअप राउंड में और स्टे वैकेंसी राउंड में क्या कट ऑफ गया था वो आप बड़ी आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं जो कोर्स अवेलेबल है स्टोर सेक्शन में मेडका विंग के ऐप पर आपको डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से अब यहाँ पर जैसे एम्स की बात होगी इसके अलावा अगर आप स्टेट की कट ऑफ देखेंगे तो नीट यू जी की जो कट ऑफ पी डी यहाँ पर है 434 फाइल्स यहाँ पर है राइट यहाँ पर 43 फ्री कंटेंट्स भी हैं इस कोर्स में कई सारे फ्री कंटेंट्स भी मोर देन 70, 80 फाइल्स आपको फ्री में एक्सेस करने के लिए मिल जाएगा लेकिन उसके बाद अगर आप कंप्लीट हर कॉलेज की डिटेल चाहते हैं स्टेट वाइज ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट कोटा राउंड वाइज कैटेगरी वाइज देन नो डाउट कि आपको ये कोर्स को सब्सक्राइब करना पड़ेगा फीस बहुत ही नॉमिनल है सिर्फ फाइव राइट सो गैस दिस वॉज द डिटेल ऑफ एम्स भोपाल फॉर एडमिशन इन टू इफ यू आर टारगेटिंग दिस कॉलेज देन यू मस्ट हैव टू मेंटेन मार्क्स अगेंस्ट योर कैटेगरी जो कि यहां पर मैंशन है और टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ऑफ राउंड वाइज वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो या फिर स्क्रीन पर जो नंबर शो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं बने रहिए है मेडकविंग के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडकविंग